नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी के लिए आज उड़द दाल के फायदे लेकर के। उड़द दाल सफ़ेद और काली होती है और यह साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। उड़द की दाल एक अत्यंत बलवर्धक, पौष्टिक एवं सभी दालों में पोषक होती है। इसकी छिलके वाली दाल ज़्यादा पौष्टिक होती है। कमज़ोर पाचन वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द का प्रयोग तमाम व्यंजन बनाने के काम आते हैं, जैसे डोसा, पापड़, वड़ा, लड्डू और दाल इत्यादि। जिन लोगों की पाचन शक्ति प्रबल होती है, वे यदि इसका सेवन करें तो उनके शरीर में रक्त, मांस, मज्जा की वृद्धि होती है। उड़द की दाल में प्रोटीन, विटामिन बी, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, घुलनशील रेशा और स्टार्च पाया जाता है। उड़द वीर्यवर्धक, हृदय के लिए हितकारी है। यह वात एवं अर्श का नाश करती है। यह स्निग्ध विपाक में मधुर, बलवर्धक और रुचिकारी होती है। उड़द की दाल अन्य प्रकार की दालों में अधिक बल देने वाली एवं पोषक होती है। धुली हुई दाल प्रायः पेट में आफरा कर देती है। छिलकों वाली दाल में यह दुर्गुण नहीं होता है। गरम मसालों सहित छिलके वाली दाल ज़्यादा गुणकारी होती है। आइए आज हम सभी जानते हैं इसके स्वास्थ्य को लेकर के लाभों के बारे में। ऊर्जा, इसमें बहुत सारा आयरन होता है, जिसे खाने से शरीर को बल मिलता है। यह उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जिन्हें भारी महावरी होती है, क्योंकि उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। इसमें रेड मीट के मुकाबले कई गुना आयरन होता है और न हाई कैलोरी होती है और ना ही फैट होता है। नंबर 2, प्रोटीन। वैसे तो हर दाल में भारी प्रोटीन होता है। वे लोग जो पैसे की कमी की वजह से मीट मछली नहीं खा पाते हैं, उनके लिए यह एक सस्ता आहार माना जाता है। शरीर के पूरे विकास और मांसपेशियों की मजबूती के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पाचन शक्ति बढ़ाए। जिन लोगों की पाचन शक्ति प्रबल होती है, वे यदि इसका सेवन करें तो उनके शरीर में रक्त, मांस, मज्जा की वृद्धि होती है। इसमें बहुत सारे घुलनशील रेशे होते हैं जो कि पचने में आसान होते हैं। हृदय स्वास्थ्य, कोलेस्ट्रॉल घटाने के अलावा भी काली उड़द स्वास्थ्यवर्धक होती है। यह मैग्नीशियम और फोलेट लेवल को बढ़ाकर धमनियों को ब्लॉक होने से बचाती है। मैग्नीशियम दिल का स्वास्थ्य बढ़ाती है, क्योंकि यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है। नंबर 5, पौरुष शक्ति बढ़ाए। अगर काली उड़द को पानी में 6 से 7 घंटे के लिए भिंगोकर उसे घी में फ्राई करके शहद के साथ नियमित सेवन किया जाए तो पौरुष शक्ति की वृद्धि होती है। सुंदरता को निखारे। चेहरे पर झाइयाँ और मुहासों के दाग को उड़द दाल के फेस पैक से साफ किया जाता है। इससे चेहरे में निखार आता है और चेहरा चमकदार बन जाता है। नंबर 7, गंजेपन का उपचार। उड़द की दाल को उबालकर पीस लें। रात को सोते समय इस पिट्टी का लेप करें। सिर पर कुछ दिनों तक करते रहने से गंजेपन में फायदा होता है। उड़द भारी, चिकने, मलमूत्र अधिक लाने वाले, बवासीर, गठिया, लकवा, दमा में लाभदायक है। अगर हिचकी आ रही हो तो साबुत उड़द जलते हुए कोयले पर डालें। इसका धुआं सूंघें, हिचकी मिट जाएगी। नकसीर और सिर दर्द। उड़द की दाल भिंगोकर पीसकर ललाट पर लेप करने से नकसीर व गर्मी से हुआ सिर दर्द ठीक हो जाता है। कमर दर्द, 1 पाव बिना छिलके वाली उड़द की दाल सेंक कर पीस लें। 1 पाव छुहारा गुठली निकाल कर पीस लें और 1 पाव अर्जुन की छाल पीसी हुई लें। इन सबको मिलाकर 2 बार ठंडे पानी से सेवन करें। कमर दर्द में लाभ होगा। अर्धांग घात, उड़द और सौंठ को चाय की तरह उबालकर इनका पानी पिलाएं। फोड़े, यदि फोड़े से गाढ़ी और अधिक पीव निकलें तो उड़द की पुलटिस बांधें। गंजापन,
उड़द की दाल को उबाल कर पीस लें, इसका सोते समय सिर पर लेप कर दें। सफ़ेद दाग, उड़द के आटे को भिंगोकर पुनः पीस कर सफ़ेद दाग पर नित्य 4 महीने तक लगाने से दाग हट जाएंगे। शक्तिवर्धक, उड़द में शक्तिवर्धक गुण होते हैं। उड़द किसी भी तरह किसी भी रूप में खाएं, इनसे शक्ति बढ़ेगी। उड़द गरिष्ठ होते हैं, अतः अच्छी पाचन शक्ति वालों को ही ये खाना चाहिए। रात को आधा छटाक उड़द की दाल भिंगो दें, प्रातः इसे पीसकर दूध एवं मिश्री के साथ मिलाकर पिएं। यह हृदय, मस्तिष्क और वीर्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसे अच्छी पाचन शक्ति वाले ही सेवन करें, इस बात का ध्यान रखें। छिलके सहित उड़द की दाल खाने से शरीर मजबूत बनता है। उड़द की दाल में हींग का छोंक देने से इसके गुणों में और भी वृद्धि होती है। भींगी हुई उड़द की दाल को पीसकर 1 चम्मच देसी घी, 1/2 चम्मच शहद मिलाकर चाटें, ऊपर से मिश्री मिला हुआ दूध पिएं। लगातार सेवन करते रहने से पुरुष बहुत बलवान हो जाते हैं। दूध वृद्धि, उड़द की दाल में घी मिलाकर खाने से स्त्रियों में दूध न आने की समस्या हो तो वो ठीक हो जाता है। गंजापन शुरू ही हुआ हो, किसी दुर्बल करने वाली बीमारी से बाल तेजी से गिर रहे हों, तो छिलके सहित उड़द की दाल उबालकर पीसकर बालों की जड़ों में मालिश करें। 1/2 घंटे बाद सिर धोएं, इससे नए बाल उगने लगेंगे, गंजापन दूर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा देशी नुस्खा आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।